राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस की कोशिश है कि वह जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी रहे, इसीलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपने सभी मंत्रियों को कहा है कि वे अपने घर पर नियमित रूप से जनता दरबार लगाएं। हाल ही में मंत्रियों के घर के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में भी इस तरह के मंत्रियों को बैठा कर जनता से उनकी शिकायतें, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उस सबकी ज्ञापन लेने का एक परंपरा शुरू की थी। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि अभी तक इसका कोई बड़ा रिस्पांस नहीं मिला है। हालांकि यह भी सही है कि मंत्री खुद भी इस जनता दरबार में नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं। आज 3 दिन के अंतराल के बाद 3 दिन तक मंत्री लोग गायब रहते हैं। सैटरडे संडे आ गया था, एक दिन मंत्री नहीं थे, क्योंकि जनता दरबार के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई रोस्टर मंत्रियों को नहीं मिला था। आज कृषि मंत्री लालचंद कटारिया यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आम जनता यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके लिए कुर्सी लगाई गई है, कुर्सी पर बैठने वाले तक यहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं। मंत्री अकेले पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं। इक्के दुक्के लोग यहाँ पर आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, लेकिन जनता दरबार में मंत्रियों के पास जिस तरह से समस्या लेकर आने का एक जो उत्साह या भीड़ हर जगह देखा जाता है, वह यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। चाहकर भी यहाँ पर कार्यकर्ता अभी तक इकट्ठे नहीं हुए हैं, यानी कि इसका मतलब यह भी नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में सब कुछ ठीक चल रहा है, लोगों की सभी समस्या सॉल्व हो गई है। क्योंकि मंत्रियों के घरों की यदि बात की जाए तो वहाँ पर लंबी चौड़ी भीड़ नज़र आती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुद अपने घर पर जनता दरबार लगाते हैं, जहाँ पर काफ़ी तादाद में भीड़ नज़र आती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस दफ्तर में लगने वाले इस जनता दरबार के प्रति लोगों का रुझान क्यों अभी तक सामने नहीं आया है, क्यों इस तरह से मंत्रियों को फरियादियों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऐसे फरियादी जिनकी कई समस्या हो सकती है प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के लेवल पर, तो क्यों नहीं आ रहे, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मंत्री उनकी और उनके ज्ञापन ले रहे हैं, उनकी समस्या को समाधान का बात कर रहे हैं, लेकिन अचरज की बात है कि मंत्रियों को काफ़ी देर लोगों का इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई आए और उन्हें ज्ञापन दे, क्योंकि जितने लोग यहाँ आए उससे कई ज़्यादा लोग यहाँ पर अगर देखेंगे कुर्सियों पर मीडिया वाले आपको बैठे नज़र आ जाएंगे। आम जनता कम आती है। मैं एक भाई साहब से बात करता हूँ, सर आप अब कोई ज्ञापन देने आए हैं मंत्री जी को या ऐसे ही मिलने आए हैं? ऐसे मिलने आए हैं चुनाव के बारे में मिलने आए हैं। मतलब आप लोगों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मंत्री जी आए समस्या सुनने आए? आप लोग जो जनता की समस्या हम सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं, लोग बागों के बीच में जा रहे हैं, आ ही नहीं रहे पार्टी में, तो खाली बैठे हैं। मंत्री जी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का, या तो आप टाइम पे नहीं आ रहे हैं? नहीं, हम भी आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी चुनाव का माहौल है, उसी चक्कर में लगे हुए हैं लोग बाग। ठीक है, ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी दूर से आए मंत्री जी से मिलना है, चूंकि स्थानीय निकायों के चुनाव है तो ये उनकी एक अलग मांग है कि शायद पार्षद का टिकट मिल जाए, ग्राम पंचायत के किसी सरपंच का इन लोगों को टिकट मिल जाए, तो ये उस लिहाज से आए समस्याओं के समाधान के लिए। यह मंत्री दरबार लगाने का निर्देश सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की ओर से यहाँ पर राजस्थान में दिया गया है, लेकिन शायद लोगों का रुझान अभी नहीं इसके प्रति बना है। इसका होगा भी कैसे, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की ओर से कोई रोस्टर जारी नहीं किया गया कि कौन सा मंत्री कब आकर यहाँ पर जन सुनवाई करेगा। हालांकि यह देखा गया कि जब बीजेपी यहां पर वसुंधरा राजे की राजस्थान में सरकार थी, तो बीजेपी के दफ्तर में भी इसी तरह से मंत्री बैठते थे, जनता दरबार लगाते थे, जनताओं की समस्याओं को सुनते थे, तो उस वक्त भी काफ़ी भीड़ थी। कांग्रेस ने ऐतराज़ जताया था कि बीजेपी के दफ्तर में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी शिकायत लेकर क्यों जाना चाहेगा, तो शायद वह नियम भी यहीं पे भी अप्लीकेबल होगा, क्योंकि कांग्रेस के दफ्तर में यदि मंत्री आकर बैठते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ता क्यों आना चाहेगा यहाँ पर कांग्रेस के दफ्तर में, क्यों यहाँ पर आकर मंत्रियों से बातचीत करना चाहेगा। यही कारण है कि ज़्यादातर जो लोग हैं मंत्रियों के घरों के बाहर पहुँच जाते हैं, और मंत्री भी हर रोज़ 1 घंटे नियमित सुनवाई उन लोगों की करते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस में यहाँ पर मंत्री दरबार के प्रति लोगों का रुझान अभी काफ़ी कम ही है। निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी ये चिंता का एक बड़ा विषय हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी में लगने वाली जनता दरबार में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, और क्यों मंत्रियों को काफ़ी देर तक इस तरह से लोगों का इंतज़ार करना पड़ रहा कि कोई आए अपनी समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन उन्हें दे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन जयपुर, न्यूज़ 24।